एक रात जब मैं दिल्ली स्टेशन से मथुरा स्टेशन पर जाने वाला था और मेरा ट्रेन रात के करीब 1:15 पर आने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे तो पता था कि ट्रेन रात के 1:15 में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त ट्रेन देरी कर रहा था तो मैं स्टेशन पर एक सीट पर बैठ गया और बैठते बैठते मेरी नींद आ गई थी तो मैं उसी सीट पर सो गया और जब मेरी आँख खुली तब रात के करीब 5 बज रहे थे और जब मैंने देखा तो मेरा ट्रेन आ गया था। तो मैं जल्द से जल्द अपना सारा सामान लेके ट्रेन पर जाने ही वाला था कि मैंने एक बार ट्रेन की ओर देखा तो ये ट्रेन खून से लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये ट्रेन हजारों लोगों को मारकर आ रहा है। तब मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। तब अचानक उसी वक्त एक बूढ़ी औरत मेरे और आ रही थी और आकर मुझसे पूछे, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने बोला, अरे अम्मा जी आप कहाँ पर जा रही हैं? तो उन्होंने बोला, मैं तो मथुरा पर जा रही हूँ। तब मेरे जान में जान आई और उसके बाद मैंने बोला, मैं भी मथुरा पर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाइए। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन पर जाके बैठ गए। तो मैंने बातों बातों में अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी कि आपने देखा कि यह ट्रेन खून से लिपटा हुआ है? तो अम्मा जी ने बोली, अरे नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, शायद तुम्हारा आंखों का धोखा होगा। तो मैंने सोचा शायद सच में ये आंखों का धोखा होगा। और कुछ देर बाद हम दोनों सो गए थे और जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा वो बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी होकर किससे बात कर रही है। तो मैंने उन्हें आवाज़ देते हुए बोला, अरे अम्मा जी आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी है, अंदर आइए नहीं तो आप गिर जाओगी। तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं खुद उनके पास जाकर बोला, अरे अम्मा जी अंदर आइए नहीं तो आप गिर जाओगी। फिर भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब मैंने उनके हाथ को पकड़ा तो उनका हाथ बहुत ही ठंडा था, मानो कि वो फ्रिज से निकल आई है। तो मैं वहीं पर दंग रह गया और मैं चुपचाप अपने सीट की ओर बढ़ ही रहा था। तब अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और जब मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं अपना हाथ चुरा नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं ट्रेन से नीचे गिर गया, लेकिन उस वक्त भगवान का शुक्र मानो मैं ब्रिज के नीचे एक नदी पर गिर गया था और मैं बच निकला। तो दोस्तों आज की कहानी पर बस इतना ही। अगर आपको कहानी